तो कुछ आज मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला। आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी आने वाली, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग एक वीडियो बनाऊँ जिससे आप लोग भी सीख जाएँ कैसे आप लोग 26 जनवरी फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप का फोटो एडिटिंग बनाना चाहते हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिजनेस की कंप्लीट वॉच कर लेना। एंड इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चले गए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस आप लोग अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे टूल वाला ऑप्शन मिल जाएगा नीचे साइड, तो इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद ऊपर साइड आप लोग को यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आप लोग ये वाला स्क्वायर को साइज को एड कर देना है। एंड सिंपल से आप लोग ऊपर साइड राइट कर देना है और यहाँ से हो जाना है बैक। इधर इधर स्क्रॉल करना है तो आप लोग यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप लोग ऐड फोटो वाले ऑप्शन जाके अपनी पीएनजी को ऐड कर लेना। पीएनजी कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को वीडियो के एंड में वो बताऊंगा, तो वीडियो कंप्लीट बहुत कर लेना, कहीं पे मैं बता सकता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ से अपने दोनों पीएनजी को ऐड कर लिया। सिंपल से ऐड करने के बाद में आप लोगों को सबसे पहले इस पीएनजी को ऐड कर लेना है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, एंड यहाँ पे बीच में लाइन बनी है तो इसका मतलब बीच में परफेक्ट इसको ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी मॉडल की फोटो को साइज को बढ़ा लेना, एंड कुछ इस तरह से इसके पीछे ऐड कर देना है इसको भी। यहाँ पे भी ये बीच में परफेक्ट सेट हो चुका दोनों। एंड सिंपल से यहाँ से ऊपर साइड राइट का ऑप्शन मिल जाएगा आप लोग को, तो यहाँ से इसको राइट क्लिक कर देना है और यहाँ से हो जाना है बैक। फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन में जाना है और पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो सो का जी वाला पीएनजी को ले लेना है। लेने के बाद में इसकी साइज को बड़ा कर देना है, अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग कर देना है इसको, ओके। अब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, इधर तरफ स्क्रॉल करना है और ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को, तो ये रहा इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आप लोग जो करना चाहते हो वहाँ पे कर लेना है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये वाला कर देता हूँ। एंड करने के बाद में ऊपर साइड आप लोगों को इरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये रहा मैं बता देता हूँ, इस पर क्लिक करना है। सिंपल से क्लिक करने के बाद में आप लोग क्या करना है, इन्वेंट कर देना है, यहाँ से इस वाले ऑप्शन को इन्वेंट कर देना है। एंड यहाँ से रिस्टोर वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। एंड साइज को ये रेंज देना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ओके। और कर लेने के बाद में इसके साइज हटा देना है। एंड कुछ इस तरह जब इस शर्ट के अंदर ड्रॉ कर देना है, तो ये जो भी इफेक्ट था अपने शर्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आप लोग भी कुछ इस टाइप से कर लेना है, तो जल्दी जल्दी से मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे कर चुका हूँ और आप लोग भी कुछ इस टाइप से कर लीजिएगा अपनी फोटो के अंदर। एंड यहाँ से सिंपल से राइट क्लिक कर देना है और यहाँ से भी राइट कर देना है, ओके। यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन में जाना है फिर से और एक पीएनजी को और ऐड कर लेना है। सो गाइस ये वाला दोनों पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड इसकी साइज को बड़ा इंक्रीज कर लेना है। एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पर लगा देना है, इसकी साइज को भी इंक्रीज कर लेना है कुछ इस टाइप से, एंड इसको भी यहाँ पर लगा देना है, ओके। अब इसकी ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन जाके इसको ओवरले कर देना है और इसको ओबेसिटी को हल्का सा कम कर लेना है। एंड इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है कुछ इस टाइप से, ओके। अब यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है, फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन जाके और पीएनजी को ऐड कर लेना है। सो गाइस ये वाला फ्लैग पीएनजी को ऐड कर लेना है। सिंपल से ऐड कर लेने के बाद में इसकी साइज को इंक्रीज करके यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड कर देना है इसको, एंड इसको भी यहाँ से डन कर देना है। फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन जाके और पीएनजी को ऐड कर लेना है। सो गाइस ये वाला पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड इसको फुल स्क्रीन कर देना है कुछ इस टाइप से, ओके। इसका ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देना है, यहाँ से इसको स्क्रीन कर देना है एंड यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन जाना है और पीएनजी को ऐड कर लेना है। सो गाइस ये पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड करने के बाद में सबसे पहले इस वाले पीएनजी को ऐड कर देना है, तो इसकी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ मैं एंड यहाँ पे ऊपर की साइड ऐड कर देना है इसको, ओके। अब इसकी भी फुल स्क्रीन कर देना है कुछ इस टाइप से, नीचे को लाना है, ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देना है यहाँ से इसको एंड स्क्रीन कर देना है यहाँ से, तो यहाँ पे परफेक्ट बन चुका है। एंड सिंपल से यहाँ से राइट क्लिक कर देना है, तो यहाँ से जब अपनी फोटो को बिफोर एंड आफ्टर जैसे, तो काफ़ी मस्त मेरी फोटो एडिटिंग हो चुकी है। यहाँ से सिंपल से आप लोग क्या करना है, टूल वाले ऑप्शन पर आ जाना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है और आने के बाद में सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है।
ओके। अब करने के बाद में आप लोग इसकी सैचुरेशन को फुली इंक्रीज कर लेना है 100% एंड आप लोग ऊपर इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे इरेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और इसकी सेटिंग को ये रेंज देना है एंड यहाँ पे अपनी फोटो को जूम कर देना है और जो भी पेट अपने स्किन के ऊपर दिख रहा है ना आप लोग को तो यहाँ पे आप लोग अपने चेहरे के ऊपर से इसको इरेज कर लेना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ से फटाफट से कर लेता हूँ। ओके तो यह मैं यहाँ पे कर चुका हूँ एंड कर लेने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर देना और यहाँ से राइट क्लिक कर देना। ओके फिर से एड फोटो वाले टूल वाले ऑप्शन पर जाके ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड ब्राइट को हल्का सा इंक्रीज कर लेना ज़्यादा नहीं एंड सिचुएशन को हल्का सा डिक्रीज और यहाँ पे आ जाना इधर तरफ आ जाना है हाई लाइट को इंक्रीज कर लेना। ओके इरेज वाले ऑप्शन पर आना है यहाँ से इन्वेंट कर देना रिस्टोर वाले ब्रश को ऐड कर लेना अपनी फोटो को कर देना जूम और पूरी स्किन के ऊपर इस ब्रश को ड्रॉ कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो चेहरे भी साथ में व्हाइट बन रहा है आप लोगों का देख ही सकते हो। तो आप लोग भी कुछ इस टाइप से अपने चेहरे को भी व्हाइट बना सकते हो यहाँ से। तो चलिए मैं इसको भी यहाँ से फटाफट से कर लेता हूँ। ओके तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर चुका हूँ एंड कर लेने के बाद मैं सिंपल से आप लोग राइट क्लिक कर देना है एंड यहाँ से भी राइट क्लिक करके बैक हो जाना है। तो यहाँ पे ऑल टू ऑल अपनी फोटो देख सकते हो काफ़ी मस्त तरीके से एडिटिंग हो चुकी है। सिंपल से आप लोग ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से अपनी फोटो को सेव कर लेना। आई होप कि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों को ऐसी वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।